दोस्तों स्वागत है आप सभी का टेक्निकल गाइड केवी पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि रैम को कैसे ओवरक्लॉक करना है, या रैम ओवरक्लॉक गाइड समझ लो आप। तो वैसे तो इंटरनेट पे पहले से ही ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो है रैम ओवरक्लॉकिंग के ऊपर, लेकिन रैम ओवरक्लॉकिंग उतनी सिंपल, मतलब सिंपल तो होती है लेकिन आपने सही से की है या नहीं की है, या जो परफॉर्मेंस है वो आपको जितनी मिलनी चाहिए उतनी मिल रही है नहीं मिल रही है, तो वो आपको आज के इस वीडियो में पता लगेगा। वीडियो यहाँ पे लंबी हो गई है और हो सकती है, तो आप वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत करो, कि कुछ चीज़ें होती है जो आप इस वीडियो में देख के सीख सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ भी स्किप नहीं किया और बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स है उसको इस वीडियो में मेंशन किया है रैम ओवरक्लॉकिंग करते वक्त। तो वीडियो पूरी अनकट होने वाली है, जो फालतू के जो टाइम वेस्ट वाले सीन्स है वो मैं कट कर दूंगा, लेकिन वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी अगर आपको रैम ओवरक्लॉक करना है तो आपको बहुत जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो जानने को मिलेगा रैम ओवरक्लॉक करते हुए, यहाँ पे क्या इश्यूज आ सकते हैं या कैसे होते और क्या सही की है या नहीं की, तो वो भी आपको सब पता चलेगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ओके, तो ये है मेरा कंप्यूटर स्क्रीन। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको बायोस में जाना नहीं आता है तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सिंपल मेथड क्या है बायोस में जाने का। तो आप स्टार्ट मेन्यू को खोलें और ये जो पावर बटन है रीस्टार्ट क्लिक करके रखने से पहले आपको शिफ्ट की को होल्ड करना है, तो शिफ्ट की को होल्ड करते हुए रीस्टार्ट पे क्लिक करना है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि बायोस में कैसे जाना है अगर आप नहीं जा पा रहे। तो अब ये स्टार्ट हो जाएगा हमारा रिकवरी ऑप्शन में, तो यहाँ से हम जा सकते हैं अपने बायोस में अगर आप नहीं लोड कर पा रहे या आपसे बायोस में एंटर नहीं किया जा रहा। तो अब हम जाएंगे ट्रबल शूट में। ट्रबल शूट में जाने के बाद एडवांस्ड ऑप्शंस पे, एडवांस्ड ऑप्शन के बाद UEFI फर्मवेयर सेटिंग्स पे, और मैं आपको दोनों ही मेथड बता दूंगा रैम ओवरक्लॉक करने का, और एक सिंपल मेथड और एक इजी मेथड मैं आपको दोनों ही बता दूंगा आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले सिंपल मेथड की बात करेंगे, फिर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा ट्यूनिंग वाला मेथड बताऊंगा जिसमें हम जो अपनी मेमोरी उसको ट्यून करेंगे, उसके प्रोफाइल्स को, उसकी टाइमिंग्स को थोड़ा चेंजेस करेंगे। तो वो सब करते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पे हमें क्या अच्छा परफॉर्मेंस तो मिलेगा। और ये सब टेस्टेड है, लेकिन मैं फिर एक रैम परफॉर्मेंस बेंचमार्क के लिए मैंने वापस 2400 मेगाहर्ट्ज़ पे आया हूँ, वरना नॉर्मली सब रैम 2133 मेगाहर्ट्ज़ होते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। तो ये है बायोस मेन्यू। तो हमें ओसी में जाना है, ओसी में क्लिक करके एंटर करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले सिंपल मेथड बताऊँ ओवरक्लॉकिंग का, तो वो ये है कि ये आपको AXMP मोड को ऑन करना है, यानी जो AXMP प्रोफाइल होते हैं जो मैन्युफैक्चर रैम की मैन्युफैक्चर खुद लोड करके देता है रैम में, तो वो प्रोफाइल्स होती है। और मेरे रैम में दो प्रोफाइल्स है, AXMP पे क्लिक करने पे आती है प्रोफाइल 1, प्रोफाइल 2। तो ये सबसे सिंपल मेथड है अगर आपको ज़्यादा टाइमिंग्स के बारे में नहीं जानना है या नहीं पता है, या आपको कोई रिस्क नहीं लेना है टाइमिंग्स को लेके, या आपकी टाइमिंग्स ऑलरेडी अच्छी है तो आप कर सकते हो। लेकिन मेरे केस में आप देख सकते हैं कि जो दो प्रोफाइल्स है ये वाले, इसमें जो टाइमिंग्स है वो ज़रूरत से ज़्यादा है, और जो मेरी रैम है वो है जी स्किल रिपचॉस की, और इसमें सैमसंग की डाई लगी है मेमोरी, तो इसकी जो परफॉर्मेंस होने वाली है वो हाइनेक्स से और क्रूशियल से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होगी, और ओवरक्लॉकिंग भी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। अब एक और चीज़ मैं बता दूँ कि हर मदरबोर्ड में आपको या हर रैम ओवरक्लॉक नहीं हो सकती, कुछ रैम्स नहीं जाती और कुछ चली जाती है, तो ये डिपेंड करता है, लेकिन जो है कि सब जो यूनिट है वो आपके सभी सही हो, लेकिन मोस्टली सब सही होते हैं। तो ये था पहला इजी मेथड। अब दूसरा इजी मेथड ये है कि आपको AXMP पे क्लिक नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हो, या अगर आपको प्रोफाइल नहीं सिलेक्ट करनी या नहीं ऑप्शन दिखा रहा, तो आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे जो लिखा है फ्रीक्वेंसी, ये वाला, ये जो आप देख रहे हो फ्रीक्वेंसी लिखा है DDR4 2400, इस पर क्लिक करके, तो ये है मेमोरी प्रोफाइल्स जो सिलेक्ट करने के बाद आपको दिखती है। इसमें से आप कुछ भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि अभी 2400 पे, तो जैसे मैंने अभी 3000 सिलेक्ट कर दिया, तो अब आपको जो वोल्टेज है वो थोड़ी बढ़ानी रहेगी, जैसे कि अभी 1.2 मैंने सेट कर रखी है। तो अगर आप AXMP प्रोफाइल सिलेक्ट करोगे तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा अपने हिसाब से, लेकिन फिर भी आप 1.35 पे रख सकते हो, ऐसे 1.35 पे आप 3000 पे चलाओ, उससे कम रिकमेंडेड नहीं होती। तो ये इजी मेथड हो गए दो,
और अभी जो मैं यूज़ करना चाहता हूँ मैं वो ट्यूनिंग मेथड यूज़ करूँगा, यानी मैं टाइमिंग्स को ट्यून करूँगा क्योंकि मेरी मेमोरी की टाइमिंग्स थोड़ी ज़्यादा है ज़रूरत से, और सस्ते में भी मिल गए। लेकिन अगर आपको भी ऐसी कोई किट मिलती है जो सस्ते में हो और थोड़ी अच्छी ब्रांडेड है, जी स्किल रिपजॉस की तरह, जैसे कॉर्सर की भी कोई सस्ती में मिल गई, तो आप उसको ओवरक्लॉक कर सकते हो। अब ये जो 19, 20, 40 इसको मैं 16, 18, 18, 36 ऐसे करना चाहता हूँ, तो मैं वो मेथड भी आपको दिखा दूँगा कि कैसे करना है। और अगर आपका वोल्टेज ऑटो पे है तो आप 1.35 दे देना, और अभी तो मैं नहीं दे रहा क्योंकि पहले मैं टाइमिंग सेट कर दूँ फिर आपको बता देता हूँ। टाइमिंग्स के लिए एडवांस में जाना है हमें। फिर ये टाइमिंग्स आ गई, ये करंट टाइमिंग्स है 15, 15, 15, 15, 36 करके। जो बाकी टाइमिंग्स है वो मैं अभी यहाँ पे सेट करूँगा, और 3000 तो मैंने सिलेक्ट करके ही रखा है, तो अभी रिस्टार्ट करने से पहले यहाँ पे थोड़ी टाइमिंग्स हमें चेंज करनी है। अब 3000 दिया है तो 1.35 वोल्ट भी देना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस CL को चेंज कर देते हैं, और जो एक परफेक्ट टाइमिंग है 3000 के लिए या 3200 के लिए वो है 16, 18, 18, 36। तो ये परफेक्ट टाइमिंग है। अगर इस पर नहीं चल रही तो आप 18, 20, 20, 36 भी कर सकते हो। तो हमारी है ओके, तो सही है 16, 16, 18, 18, 36। तो ये टाइमिंग पे हम चलाएंगे इसको, और 36 को 3600 रहने देंगे, तो आप टाइमिंग्स चेंज कर सकते हो। अगर बूट नहीं हो रहा तो आप बायोस को क्लियर कर सकते हो। और वोल्टेज की बारी आए तो वोल्टेज में आपको देना है 1.35। अच्छी अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए और 3000 या 3200 पे चला रहे हो तो 1.35 है। सब मेमोरी नहीं चल सकती, जैसा कि मैं बोला हर मेमोरी अलग होती है, हर बायोस अलग होता है, हर मदरबोर्ड अलग होता है। तो जरूर नहीं कि आप जो स्टिक मेरे पास है वो आपके में चले और जो आपके पास है वो मेरे में चले, या जो स्टिक मेरे पास है वो आपके में भी उतनी ओवरक्लॉक हो अच्छे से। तो ऐसा बहुत चीज़ें होती है, बहुत फैक्टर्स होते हैं, तो सबकी ओवरक्लॉक अच्छे से नहीं होती, लेकिन अगर आपकी हो रही है तो अच्छी बात है यहाँ पे। तो फ़िलहाल मैंने सेट कर लिया है सब कुछ, और एक बार फिर चेक कर लेते हैं। तो हाँ, CL 16 रहेगा, CL की जो टाइमिंग है वो 16 रहेगी। RCD रीड है शायद ये, और सेकंड है राइट, तो ये दोनों 18 रहेंगे, और RP 18 ही रहेगा हमारा, RAS 36 रहेगा। रीड डिले राइट डिले, हाँ तो ये रीड राइट है, तो ये 18 रहेंगे। तो ये सब RC RP सेम ही रहेगी, चाहे आप 20 रखोगे तो RC भी 20 जाएगी, RCD सेकंड वाला भी 20 जाएगा, और RP भी 20 रहेगा। तो ये तीन वैल्यूज़ आप देख, RCD RD रीड और राइट वाली RCD दोनों सेम रहेगी, RP भी सेम रहेगी, बस CL चेंज होगा और RAS चेंज होगा। तो ये हमने चेंज कर दिया है, अब चेक कर लेते हैं। 1.35 है और 3000 सिलेक्टेड है, और टाइमिंग भी हमारी सब सही है। तो अब मैं इसको बूट करके दिखाता हूँ। तो सेटिंग्स में हम जाते हैं, सेटिंग्स में जाएंगे, सेव एंड एग्ज़िट। सेव एंड एग्ज़िट के बाद आपको सेव चेंजेस एंड रीबूट करना है, सेव चेंजेस नहीं करना, रीबूट अप्लाई करना ही होगा। तो हम रीबूट अप्लाई करके फिर मैं आपको सेटिंग्स में दिखा देता हूँ कि हाँ यहाँ पे रिज़ल्ट कितना आया है CPU-Z में। तो चलो अभी ये रिबूट हो जाएगा यहाँ पे, और देखते हैं यहाँ पे क्या हमें परफॉर्मेंस या कुछ क्रैश होता है या नहीं, और कुछ ब्लू स्क्रीन या वगैरह आती है या नहीं। तो इसको हम देख लेते कि बूट हो रहा है कि नहीं। तो दोस्तों PC हो चुका है बूट, और अच्छी बात तो यह है कि बूट हो चुका है अच्छे से, फ़िलहाल कुछ इशू नहीं आया है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं इसको, और मैं पहले टास्क मैनेजर में दिखा देता हूँ कि स्पीड क्या है। अगर इसमें दिखा रहा है तो डेफिनेटली ओवरक्लॉक हुआ है अच्छे से, और स्टेबिलिटी चेक तो हम करेंगे ही करेंगे। फ़िलहाल 3000 है, और वो मैं कर दूंगा क्योंकि मुझे पता है स्टेबल ही है, सैमसंग की डाई है, 3000 CL16 पे ईजिली चलेगी। तो 3000 तो यहाँ पे दिखा रहा है, 3000 में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब हम CPU-Z में टाइमिंग्स देख लेते हैं, जो रेशियो है वो यहाँ पे एकदम सही होना चाहिए। तो CPU-Z देख लेते हैं पहले, और फिर देखते हैं कि यहाँ पे क्या टाइमिंग्स निकल के आती है, रेशियो यहाँ पे 1:2 में है या नहीं। बैलेंस रेशियो होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है।
तो मेमोरी में देखते, और 1500 है, और 1500 है, और ये 3:45 है. अब ये 3:45 है तो इसका मैं देखता हूँ क्या करना है. लेकिन आप देख सकते हैं 16:18:18:36 है, इसको मुझे 1:15 पे लाना ही लाना है. और फिर बाकी मैं चेंजेस करके दिखाता हूँ यहाँ पे क्या रिज़ल्ट आया है. लेकिन फ़िलहाल मैं अभी वीडियो को पॉज कर देता हूँ. तो पहले तो 3000 में आपको जैसा कि दिख रहा है कि 16:18:18:36 पे ही अच्छे से काम नहीं कर रही है. तो मैंने जो 36 वाली वैल्यू है जो लास्ट की होती है उसको मैंने 38 करके रिस्टार्ट किया, उसमें भी इसने काम नहीं किया. काम किया मतलब पीसी बूट हो रहा था लेकिन सिंक में टाइमिंग्स नहीं थी. तो अब मैंने क्या किया कि जो 3000 को 3000 से मैं 3200 लेके गया, और 3200 करते ही जब मैंने पीसी बूट किया तो देखा कि जो टाइमिंग है वो सिंक में आ चुकी थी. FSB:DRAM का रेशियो सिंक में हो गया था. तो अब सिंक में है तो मतलब आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगी. तो इस वीडियो में मैंने, अगर आपने नोटिस किया हो, तो मैंने हमेशा ये बोला है कि आप कि मतलब हर रैम हर जैसे आपके पास कोई दूसरी है, मेरे पास जी स्किल है, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरी आपके टाइमिंग पे उसी टाइमिंग पे सेम स्पीड दे से आपकी 3000 सेल 16 पे चल रही है, पर मेरी जो टाइमिंग्स थी वो आउट ऑफ सिंक थी और आपकी सिंक में दिखा रहा है तो वो आपकी चल रही है, लेकिन मेरे केस में वो नहीं चल रही. अब हो सकता है कि मेरे में 3200 चल रही है उस टाइमिंग पे, लेकिन आपकी 3200 आउट ऑफ सिंक रहे. तो हर, जैसा कि मैंने वीडियो में बहुत बार बोला, हर रैम अलग है, हर रैम सेम फ्रीक्वेंसी सेम टाइमिंग पे काम नहीं कर सकती, ना मेरी ना आपकी, कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती. तो अगर आपकी 3000 एक पर्टिकुलर टाइमिंग पे नहीं कर रही तो आप टाइमिंग को चेंज करके देखो, सकता है कर दे. तो हर रैम अलग होती है. तो जैसा कि मैंने बोला हर रैम अलग होती है, तो मैंने बार बार वीडियो में ये बोला है कि टाइमिंग्स मैटर बहुत करती है. जो अगर मेरी CL18 पे चल रही है और आपकी नहीं चल रही, या मेरी CL16 पे चल रही है तो आपकी नहीं चल रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो का मेथड गलत है या ऐसा नहीं की जाती ओवरक्लॉकिंग. वीडियो में मैंने बोला है कि टाइमिंग्स मैटर करती है, एक एक टाइमिंग का यहाँ पे इंपॉर्टेंस है और एक एक टाइमिंग के वजह से यहाँ पे परफॉर्मेंस डिफर करती है. तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, और आई होप आप भी अब रैम इजीली ओवरक्लॉक कर पाओगे और समझ जाओगे क्या तरीका है. FSB:DRAM का रेशियो हमेशा 1:12:14 या जितनी स्पीड है उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो बस आज के इस वीडियो में तो इतना ही था. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल भी लगी तो उसको लाइक कर देना. अगर मन में कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो. और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस देखनी है, बेंचमार्क्स देखने हैं, तो चैनल टेक्निकल गाइड KV को भी कर लेना सब्सक्राइब. आज के इस वीडियो में तो इतना ही था, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू.